वे भी राम को मारना नहीं चाहते थे। यहाँ तक खर ने कहा, हेड राक्षस था, उसने कहा कि जब रोक दिया सबको, रोको रोको, कोई बाढ़ नहीं चलाएगा, कुछ नहीं पाएगा। यद्यपि भगनी की न कुरूपा, बदला एक नहीं पुरुष अनुपा, भले हमारी बहन को कुरूप किए लेकिन ये मारने लायक लड़का नहीं है, ये अरेस्ट करके ले चलो, रोज दर्शन करेंगे, देखने लायक है, मारने लायक नहीं है। लेकिन जब भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसे कुत्ते हम खोजते चलते हैं, हम अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के हैं, क्षत्रिय, तब खर ने कहा कि अरे बाप रे, जितना सुंदर है उतना बदमाश भी है, हम उनको कुत्ता बना रहा है। तो 14,000 एक साथ ही मारने के लिए लगे, लेकिन भगवान ने ऐसी माया रची कि सबको सब राम के रूप में दिखाई दे रहे थे, एक राक्षस को दूसरा राक्षस राम के रूप में और उसको ये राम के रूप में, तो आपस में ही लड़ करके मर गए। भगवान को एक भी बाण चलाना नहीं पड़ा, भगवान की अद्भुत शक्ति है। जब वहाँ उतने लोगों को मरवा ली तब गई रावण के पास। रावण के पास खूब विलाप किए, कही भैया मनुष्य गति कर दिए। मैं एक बार रामलीला देखा था, मुझे बात याद आती है, नाक कान दिखा करके रो रही थी, हाय 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 मैं गई थी, तो एक जोकर था उसमें रावण के दरबार में, तो कहता है सरकार अगर अभय दान मिले तो मैं कुछ कहूँ। तो रावण कहता है ठीक है बोलो बोलो क्या कहते हैं। तो बोलता है क्या कारण था सुर परखा को पंचवटी में जाने का, कुछ तो कारण ही होगा यह नकटी का नकटाने का। वो रो रही थी, बुलक रही थी, तो जो कहा था कुछ क्या कारण था सुर को रखा को पंचवटी में जाने का, कुछ तो कारण होगा ना, नाक कान काटने का कुछ कारण होगा ना, पूछिए इससे क्यों गई थी। तो रावण इतने पर कहता है चुप। तो जोकर कहता है सरकार अभय दान दिए थे इसलिए बोला, ठीक है चुप रहता है अब कुछ नहीं कहूँगा। उसको चुप कराकर बताया, कुछ लड़की बहुत सुंदरी है, मैं आपकी पत्नी बनाने के लिए उसको फुसला रही थी, तब तक छोटा भाई ने काम काट दिया। राक्षसों में असुरों में तो झूठ चलता ही है, सारी बात झूठ बोल रहे। और वो रावण के लिए वाइफ बनाने गई थी, वही वाइफ बनने गई थी। मैं ये कह रहा था भगवान श्री राम और मर्यादा में गोपियां कहती हैं कृष्ण का दोष बताते हुए कि सखी भौंरा, अरे भौंरा, एक जन्म से उनका कुल स्वभाव नहीं है, कई जन्म से है। जब राम के रूप में जन्म लिए थे तो बेचारी एक स्त्री आई थी, उसने प्रेम का प्रस्ताव रखा तो उसके नाक कान कटवा लिए, तो बहुत अच्छा हुआ हमारी नाक बची हुई है, कान बची हुई है, हम लोग ठीक है, इनका ऐसा स्वभाव, इसलिए हम उसे प्रेम करें नहीं है, भगवान से हुआ कोई संबंध नहीं, ये प्रेम में राधा रानी बोलती जा रही है। पांचवें छठवें श्लोक में है, इसमें उज्जवल का वर्णन है, उज्जवल क्या परिभाषा है, हरे कुह कता ख्यानम गर्व गर्भित एशया सासूय कदाक्षे को धीरे उज्जवल पति लेते। उज्जवल कहते हैं जिसमें हरि की कृष्ण की कुहकता का वर्णन है, कुहकता मैंने कुहकता वही कपट, और गर्व गर्भित तया ईर्ष्या और ईर्ष्या हो, ईर्ष्या व्यक्त की गई हो, गर्व गर्भित और सासूय जिसमें कृष्ण पर दोष का आक्षेप किया गया, उसको धीर जन
उज्जवल कहते हैं। कृष्ण की कुहकता का वर्णन है इसमें। अत्र पूर्वार्धम पूर्वार्धे दिली भूमि इत्यादि में कुहकता खाने स्वर्ग में पृथ्वी पर पाताल में कौन स्त्री उनके बुलाता है क्योंकि कपट रुचि हास मुस्कुराते हैं तो कपट से मुस्कुराते हैं। भीतर मन में यही होता है कि इसको अपने फेर में डाल करके फिर छोड़ देना ये राधा रानी सोचते हैं। तो इसमें कुहकता का वर्णन अत्र पूर्वार्धे दिल भूल इत्यादि में कुहकता क्या चरण गर्भ इति तृतीय चरण गर्भ गर्भता चरण गर्ज उपास के दशभूति लक्ष्मी जी के चरण की उपासना करती है पर हम नहीं इसमें गर्व है। अपि चैती चतुर्थ पादे सासूय अक्षेप चौथे पाद में अपि च कृपण पक्षे उत्तम श्लोक शब्द उत्तम श्लोक शब्द बेकार जा रहा है लक्ष्मी से प्रेम करते हैं हम लोगों से नहीं लेकिन कृष्ण पर दोष निकल रहा है अक्षय इसको धीरजन उज्जल कहते हैं। इस तरह से भ्रमर गीत के चार श्लोक पूरे किए गए 12, 13, 14, 15 अब और श्लोक कहा गया तो धीरे धीरे से कहा जाएगा हरे कृष्ण।